ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। कोरोना काल में लोग मौत से डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन किशनगंज में कुछ युवा पीढ़ी ऐसा है जो रोज मौत से रूबरू होता है, मौत का सामना करता है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के खतरे के कारण इस वक्त जब लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों के अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाते, उस वक्त किशनगंज के कुछ युवा जो शव को अर्थी पर रख शमशान घाट और कब्र स्थान ले जाते हैं और सामाजिक दायित्व को मानते हुए उनकी अंतिम संस्कार कर रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। किशनगंज में कोरोना वायरस की चपेट में आकर लोगों की मौत का सिलसिला जारी है। कोरोना से मौत के बाद शव को सामान्य तौर पर परिवार, रिश्तेदार और समाज के लोग साथ छोड़ दे रहे हैं और अंतिम संस्कारों में शामिल होने से भी बच रहे हैं। ऐसे में कुछ युवा पीढ़ी का एक संगठन बनकर इस सामाजिक दायित्व को मानते हुए परिवार द्वारा अपनों की कफन में लिपटी हुई यूं ही छोड़ दी गई लाशों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ये युवा पीपीई किट और मास्क पहनकर लोगों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। कहाँ मिला था ये लाश? ये डेमार्केट फ्लाईओवर जो चढ़ते हैं उसी के जो मार्केट बना हुआ इंटर हाई स्कूल का उसी के वो बरामदे में मिला। से खबर आ रही है हम लोगों को, तो रमजान से हम लोग रमजान के दौरान ही ईद के दिन तो तीन तीन जनाजा को हम लोगों ने किया है। रमजान से कंटिन्यू रात और सुबह जब भी फोन आता है, मास्टर मुजाहिद साहब भी हम लोगों को फोन करते हैं तो उनके बुलावे पे भी हम लोग दौड़ के जाते हैं, इसलिए कि हम लोगों को काम करना है। किसी से हम लोगों को वो ये नहीं है कि हाँ मास्टर मुजाहिद साहब या जो भी लोग फोन करें, हम लोग उसके लिए पहुँचते हैं और हम लोगों को काम करने का मजा एक अलग है। और ये सिर्फ इंसानियत के लिए करते हैं कि इंसानियत जिंदा रहे। जिसको गार्जियन छोड़ देते हैं, घर परिवार छोड़ देता है, उसको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की टीम फुल बाबू हैं, जब भी इस लावारिस लाश को भी जो है क्या कहते हैं खबर किए तो अब्दुल्ला भाई हैं, इनका भी सहयोग है, आरिफ बाबू हैं हमारे, ये सारे लोग जो है पूरी टीम जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की टीम है और इन लोग वार्ड कमिश्नर हैं दोनों, इन लोगों के द्वारा भी जो कॉल आता है तो हम लोग जाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है करके कि दिल में खुशी मिलती है कि जिनको परिवार छोड़ दे रहा है उसको हम लोग जो है अपने इस पे लेके करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सादिक अख्तर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पॉपुलर। परिजन द्वारा ठुकराए हर लावारिस लाश से ये युवा अपने रिश्ता जोड़ लिया। पिछले दो वर्षों से कोरोना काल में ये युवा इन लाशों को श्मशान घाट और कब्र स्थान पहुंचा रहे हैं बिना किसी डर या रोक टोक के और इंसानियत के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं। ये युवा लावारिस लाशों का उनके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार करवाते हैं। अब तक दो दर्जन से अधिक शवों को अंतिम संस्कार करा चुके हैं। कितने वैसे लोगों को दफनाया कफनाया है? तकरीबन दो दर्जन लोग हैं लमसम। और कैसे आप लोगों ने ये सोचा कि इस तरह का काम हम लोग करें? क्योंकि तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी है, अल्लाह ताला हम लोगों से खिदमत ले रहे हैं, अगर हम नहीं चुप करेंगे तो अल्लाह ताला किसी और को जो है उससे भी खिदमत ले सकते हैं। ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि हम जितने हिंदुस्तानी भाई हैं चाहे वो जिस मजहब का हो, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि उसको जो है उसके रीति रिवाज के एतबार से उसको तदफीन करना या उसका दाह संस्कार करना जिस टाइम में 24 घंटे किसी भी टाइम में हमें खबर मिलेगी हम जाएंगे इंशाल्लाह, हमारी पूरी टीम है पीएफआई की, और जा करके उसके जो रीति रिवाज से इंशाल्लाह हम उसका दाह संस्कार करेंगे इंसानियत के नाते। मोहम्मद आफ्ताब आलम। इनकी कार्यकलाप सिर्फ किशनगंज ही नहीं है बल्कि पूरे सीमांचल में इनके काम की सराहना लोग कर रहे हैं और अब तो तमाम युवा पीढ़ी इस संस्था के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। मैंने पहले जो साहब को लगाया उन्होंने नहीं उठाया, एसपी साहब को लगाया स्विच ऑफ, डीएम साहब को लगाया, डीएम साहब तुरंत एक्शन लिए और सदर अस्पताल से एम्बुलेंस मुहैया कराए 10 से 15 मिनट में। उसके बाद हम अब्दुल्ला भाई को फोन किए, अब्दुल्ला भाई कफन का इंतजाम किए। उसके बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सादिक भाई सेनापति, नाम तो सेनापति का ही होता है, सेना काम करती है, तो ये लोग बहुत मतलब हम क्या बोले कि इस काम का अगर कोई काम नहीं है, इस इंसानियत का अगर कोई काम ही नहीं है जो काम ये लोग किए हैं। हमने तो खाली फोन किए, 2 रुपया कटा, बोला दिए हो गया,
मतलब जो इलेक्ट किए हैं इस काम के आगे कोई काम नहीं है, काबिले तारीफ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा आबिद हुसैन, पूर्व वार्ड पार्षद। लोग धर्म, मजहब, मंदिर, मस्जिद के नाम पर खून खराबा करते नजर आते हैं। वहीं आज निस्वार्थ भाव से ये युवा मानवता की नई परिभाषा पढ़ रहे हैं। आखर प्रहरी इन युवाओं को सलाम करता है। बड़े बड़े किले थे और बड़ा अफसोस लगता है कि ये किला प्रशासन की दाखिलता है कि खबर होने के बाद भी ये लोगों ने कहा कि हम लोगों ने बड़ा बाबू को खबर किया है, क्या सही है क्या गलत है पता नहीं, लेकिन कोई टीम नहीं पहुंची। ये फूल बाबू का और अब्दुल्ला भाई का बहुत एहसानमंद है कि ये लोग सारे लोग इंसानियत के काम मतलब इसके तस्वीर में बहुत आगे आगे रहे हैं। Thank you.